हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर टैलेंट। सत श्री अकाल, मैं हूं पिंकी और आज हम लोग बना रहे हैं गुलाब जामुन मिल्क पाउडर से। सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है मिल्क पाउडर का खोया जो कि होम मेड है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। यहां पे 100 ग्राम मिल्क पाउडर का खोया मैंने बना के लिया है। यहाँ पे लेंगे 30 ग्राम ऑफ ग्रेटेड पनीर और 5 to 6 कार्डेमन। उसमें मैंने थोड़ी सी सेफ्रॉन ऐड की है और इन तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से मैश कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को हम लोग अच्छे से मैश करेंगे। इसमें पनीर दिख रहा है लेकिन हम लोग को इसको अच्छे से मैश करना है, अपनी हथेली से मैश करना है। ये हो चुका है अच्छे से मैश। इसके बाद हम लोग शुगर सिरप बना लेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ, सॉस पैन। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑफ शुगर एंड 1.5 कप ऑफ वाटर। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी सैफ्रन, यानी कि केसर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। और मैं इसमें डाल रही हूँ स्मॉल कार्डेमन क्रश किया हुआ। इसको अच्छे से हम लोग बॉयल करेंगे जब तक ये हमारी शुगर सिरप स्टिकी यानी कि चिपचिपी नहीं बन जाती। उसके बाद मैं इस मिक्सचर में डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हो। और फिर से हम लोग इसको अच्छे से मैश कर लेंगे, एक डो फॉर्म में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डो ऑलमोस्ट रेडी है, ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। और अब हम इसके स्मॉल स्मॉल बॉल्स बना लेंगे। आप बॉल स्मॉल या बिग अपनी मर्जी से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ का बॉल बना रही हूँ। यहाँ पे स्मॉल या फिर मीडियम साइज़ के ही बॉल्स बनाए बिकॉज ऑफ बेकिंग पाउडर। ये आफ्टर फ्राइंग ये थोड़े साइज में और बड़े हो जाएंगे, फूल जाएंगे। यहाँ पे 100 ग्राम खोया से आपका लगभग 29 to 30 मीडियम साइज ऑफ गुलाब जामुन बनके रेडी हो जाएंगे। मैश करते टाइम आपको इसको अच्छे से मैश करना है और राउंड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक्स ना हो। अगर क्रैक्स होंगे तो फ्राई करते टाइम आपका गुलाब जामुन फट जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे शुगर सिरप की तरफ। ये अच्छे से बॉयल हो चुका है और चेक कर रहे हैं आप फिंगर से कि ये स्टिकी हुआ है कि नहीं। हमें इसे एक तार की चाशनी में नहीं बनाना है गाइस, सिर्फ थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए हमारा सिरप। उसके बाद यहाँ पे मैं पैन ले रही हूँ और उसमें ऑयल गरम कर लेंगे। मीडियम हॉट ऑयल लेना है और उसमें हम लोग गुलाब जामुन को फ्राई कर लेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हम लोग फ्राई कर लेंगे इसको। फ्राई करने के बाद गुलाब जामुन को हम लोग शुगर सिरप में 2 घंटे के लिए सोक कर लेंगे। और आफ्टर 2 आवर्स हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। तो गाइस, 2 घंटे के बाद आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी है और इसने पूरा शुगर सिरप अपने अंदर सोक कर लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर तक शुगर सिरप हमारा जा चुका है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी गुलाब जामुन की इंस्टेंट मिल्क पाउडर की रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।